हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड्रॉइड। आज के इस वीडियो में हम स्टाइल की मदद से और बिना किसी लाइब्रेरी इंपोर्ट किए हुए किस तरह से फ्लोटिंग एक्शन बटन के शेप चेंज कर सकते हैं इसके बारे में देखेंगे। हम लेआउट एक्टिविटी मेन में फ्लोटिंग एक्शन बटन लेंगे, लीनियर लेआउट, ओरिएंटेशन वर्टिकल, कैपिटल एफ फ्लोटिंग एक्शन बटन लिखेंगे, विड्थ रेप हाइट रेप रखेंगे, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, बैकग्राउंड टिंट कलर प्राइमरी, आइकन इंपोर्ट कराएंगे SRC ड्रॉवेबल में से वेक्टर सेट, स्टार टिंट देंगे, वेब साइज ऑटो रखेंगे और क्लोज करेंगे, ग्रेविटी एंड मार्जिन टॉप। और हम फ्लोटिंग एक्शन बटन की स्टाइल चेंज करेंगे। हम थीम में स्टाइल लिखेंगे, कोई भी नेम देंगे, फेब शेप स्टाइल पेरेंट, कैपिटल एस करेंगे, शेप अपीयरेंस, मटेरियल कंपोनेंट, डॉट स्मॉल कंपोनेंट इंपोर्ट करेंगे, शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्लोज करेंगे, आइटम लिखेंगे कॉर्नर फैमिली, शेप प्लस ग्रेटर देन से क्लोज करेंगे, कट आइटम लिखेंगे कॉर्नर साइज 10 dB। तो फ्लोटिंग बटन में सभी कॉर्नर्स कट होंगे और कॉर्नर साइज हम 10 dB रखेंगे। एक्टिविटी मेन में शेप अपीयरेंस और ले लिखेंगे और जो भी हमने स्टाइल बने हुए हैं वो इंपोर्ट कराएंगे, फेब शेप स्टाइल 1। तो फ्लोटिंग एक्शन बटन में कॉर्नर कट होकर दिखाई देंगे और उसके साइज 10 dB होगी। हम एक और फ्लोटिंग एक्शन बटन सेट करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, मार्जिन टॉप रिमूव, स्टाइल लिखेंगे Ctrl D, स्टाइल 2, कॉर्नर फैमिली कट रखेंगे, कॉर्नर साइज बॉटम राइट 0 dB। फिर से आइटम लेंगे, कॉर्नर साइज टॉप लेफ्ट 80% करेंगे। फिर से आइटम लेंगे, इस बार कॉर्नर फैमिली लेंगे टॉप लेफ्ट, शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्लोज करेंगे और राउंडेड लिखेंगे। और स्टाइल 2 को हम एक्शन बटन में सेट कराएंगे, स्टाइल 2। तो हमें यहाँ फेब शेप स्टाइल 2 सेट होकर दिखाई देगी। हम फिर से एक बटन लेंगे, Ctrl D, स्टाइल लेंगे Ctrl D करेंगे, फेब स्टाइल 3, और हम कॉर्नर साइज लेंगे, कॉर्नर साइज 50% करेंगे। फिर से आइटम, कॉर्नर फैमिली कट करेंगे और फेब शेप स्टाइल 3 सेट करेंगे, स्टाइल 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे फेब स्टाइल 3 सेट होकर दिखाई देगी। हम एक और स्टाइल इंपोर्ट करेंगे, Ctrl D, फेब स्टाइल 4 लिखेंगे, कॉर्नर साइज बॉटम राइट लिखेंगे 0 dB। फिर से कॉर्नर फैमिली लेंगे, आइटम कॉर्नर फैमिली टॉप लेफ्ट, शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्लोज करेंगे, कट लिखेंगे Ctrl D, कॉर्नर फैमिली टॉप राइट Ctrl D करेंगे, कॉर्नर फैमिली बॉटम लेफ्ट राउंडेड Ctrl D, कॉर्नर फैमिली बॉटम राइट कट लिखेंगे। और फेब स्टाइल 4 को हम एक्शन बटन में सेट कराएंगे, Ctrl D, स्टाइल 4। तो हमें फेब स्टाइल 4 सेट होकर दिखाई देगी। हम थीम में डार्क एक्शन बार लेंगे, कम मटेरियल कंपोनेंट रिमूव करेंगे, हम फेब स्टाइल 5 क्रिएट करेंगे, Ctrl D, कॉर्नर साइज रिमूव करेंगे, कॉर्नर फैमिली कट, एक आइटम लेंगे कॉर्नर साइज टॉप लेफ्ट, शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्लोज करेंगे 0 dB, Ctrl D,
कॉर्नर साइज टॉप राइट, कॉर्नर साइज बॉटम राइट, कॉर्नर साइज बॉटम लेफ्ट करेंगे और 0 dB सेट कराएंगे सभी में। और पेप्सल फाइव को हम एक एक्टिविटी मेन में एक्शन बटन लेंगे कंट्रोल डी, पेप्सल फाइव सेट कराएंगे। तो यहाँ पेप स्टाइल फाइव फ्लोटिंग एक्शन बटन में सेट होके आ चुके हैं। हम एक और स्टाइल क्रिएट करेंगे कंट्रोल डी, पेप स्टाइल सिक्स लिखेंगे, कॉर्नर साइज लेंगे आइटम कॉर्नर साइज 30% करेंगे, फिर से आइटम लेंगे कॉर्नर फैमिली कट और एक्टिविटी मेन में सेट कराएंगे कंट्रोल डी, स्टाइल सिक्स लिखेंगे। तो फिर स्टाइल सिक्स सेट होके आ चुके हैं। हम एक और स्टाइल क्रिएट करेंगे कंट्रोल डी, सेवन लिखेंगे, कॉर्नर साइज 50% करेंगे, कॉर्नर फैमिली राउंडेड आइटम लिखेंगे, कॉर्नर साइज बॉटम लेफ्ट लेंगे, शिफ्ट प्लस कर देने से क्लोज करेंगे 0 dB। और स्टाइल सेवन को हम एक्शन बटन में सेट कराएंगे कंट्रोल डी, सेवन लिखेंगे। तो अब स्टाइल सेवन सेट होके आ चुके हैं। हम एक और स्टाइल क्रिएट करेंगे कंट्रोल डी, एट लिखेंगे, कॉर्नर फैमिली और बॉटम लेफ्ट रिमूव करेंगे और सेट कराएंगे कंट्रोल डी, स्टाइल एट। तो अब स्टाइल एट सेट होके आ चुके हैं। हम एक और स्टाइल क्रिएट करेंगे फेप शेप स्टाइल नाइन लिखेंगे, कॉर्नर साइज 50% करेंगे, आइटम कॉर्नर फैमिली टॉप लेफ्ट लिखेंगे, कट कंट्रोल डी, कॉर्नर फैमिली टॉप राइट, कॉर्नर फैमिली बॉटम लेफ्ट राउंडेड लिखेंगे, कॉर्नर फैमिली बॉटम राइट राउंडेड। और एक्शन बटन में सेट कराएंगे कंट्रोल डी, फेप स्टाइल नाइन लिखेंगे। तो हमें फ्लोटिंग एक्शन बटन में स्टाइल सेट होकर दिखाई देगी। और मार्जिन बॉटम 30 dB करेंगे, वर्टिकल बार बॉटम लिखेंगे। और हम थीम में जो भी स्टाइल सेट की हुए हैं, अगर हम डार्क मोड ऑन रखेंगे तो हम इस थीम को नाइट थीम में सेट कराएंगे। एप्लीकेशन रन करेंगे तो फ्लोटिंग एक्शन बटन में डिफरेंट टाइप के शेप सेट होके आ चुके हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में। तब तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।